माइक्रोबायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे नाइपर एल्डिहाइड टेस्ट, फॉर्मेलिन जेल टेस्ट, विसरल लिस्मेनियासिस में ये होता है। तो नाइपर एल्डिहाइड टेस्ट, फॉर्मेलिन जेल टेस्ट, एल्डिहाइड टेस्ट भी कहा जाता है इसे, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इस टेस्ट का एम क्या है कि लिस्मेनिया डोनोवानी या काला आजार, इसका एस्टिमेशन करने के लिए, इसके इन्फेक्शन को एस्टिमेट करने के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, जब भी किसी को काला आजार होता है तो उस केस में मार्क ड्राइज द लेवल ऑफ गामा ग्लोबुलिन इन द सीरम, सीरम में गामा ग्लोबुलिन लेवल राइज रहता है, एंड दिस इंक्रीज लेवल ऑफ गामा ग्लोबुलिन कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट, इसी को डिटेक्ट करेंगे इस टेस्ट के द्वारा। इसकी प्रोसीजर क्या है, 1 ml अपन को क्लियर सीरम लेना है पेशेंट का और टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। सीरम लिया 1 ml, उसमें डाला हमने फॉर्मेलिन, जो जिसमें कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, वो ऐड किया और उसको सेक किया, रूम टेम्परेचर पे रख दिया। अब ऑब्जर्वेशन में अगर हमें जेली लाइक मिल्की वाइट प्रेसिपिटेशन देखने को मिले विद, जो कि कैसे दिख रहे हैं, लुक लाइक बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग जैसे दिख रहे हैं, या मिल्की वाइट प्रेसिपिटेशन हो, जेली लाइक मिल्की वाइट प्रेसिपिटेशन देखने को मिले तो इसका इन्फेरेंस का निकलेगा। अगर ओपेसिटी 20 मिनट्स में आ गई तो पॉजिटिव है, ठीक है। ओपेसिटी इन 24 आवर्स में पॉजिटिव टेस्ट, और 20 मिनट्स में ओपेसिटी देखने को मिलती है। अगर कोई ओपेसिटी नहीं आई तो नेगेटिव टेस्ट, और एल्डिहाइड टेस्ट ऑलवेज नेगेटिव रहता है क्यूटेनियस लेस्मेनियासिस, क्योंकि ये तो विसरल लेस्मेनियासिस यानी काला आजार के लिए लगाया जाता है।